मार्बल सिटी किशनगढ़ में विधायक विकास चौधरी ने जन्मदिन चुनौती दिवस के रूप में मनाकर जनता को समर्पित किया। प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। विधायक विकास चौधरी ने जन्मदिन उपवास रखकर मनाया। उन्होंने कहा कि सांकेतिक उपवास से अगर नहीं सुधरे हालात तो सरकार से विधानसभा में ईंट से ईंट बजाने का करूंगा काम। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सबसे पहले बालाजी महाराज के मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। शहर के जिला यज्ञनारायण अस्पताल में रक्तदान किया और मरीजों को फल वितरित किए। बता दें विधायक विकास चौधरी ने आज उपवास रखकर जन्मदिन मनाया। सिटी रोड स्थित अंबेडकर सर्किल पर उपवास रखकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विकास चौधरी ने अघोषित बिजली कटौती, भीषण पेयजल समस्या, लच्चर स्वास्थ्य व्यवस्था के विरुद्ध उपवास रखकर सरकार को चुनौती दी। अंबेडकर सर्किल पर आयोजित उपवास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक चौधरी के समर्थक और प्रशंसक मौजूद रहे। जन्मदिन के मौके पर चौधरी ने बालाजी मंदिर में प्रभु दर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। वह राजकीय वाईएन अस्पताल में रक्तदान कर विधायक विकास चौधरी ने मरीजों को फलों का वितरण किया, साथ ही कई स्थानों पर पौधरोपण किया। जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों व शहरवासियों ने विधायक विकास चौधरी को जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं दी। विधायक चौधरी ने कहा कि मैं लोगों के बीच में जाता हूं तो उनकी पीड़ा नहीं देखी जाती। सरकार को जगाने के लिए उपवास कार्यक्रम के जरिए संकेत दे रहा हूं। इसमें कांग्रेस पार्टी का राज और सुशासन इस प्रदेश में रहा, आज 7 महीने इस सरकार को हो गए और पहली बार देखने को मिल रहा है इतिहास में कि इस सरकार के चुने जाने के बाद जनता बुनियादी जरूरतों के खातिर इसमें पानी और बिजली और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं, जो कि स्वास्थ्य जैसी सेवाएं तो आपातकालीन सेवाएं हैं, उनसे भी जनता त्रस्त है। आज मैं कांग्रेस परिवार के साथ हमने सबने प्रण लिया है कि मैं आज जन्मदिन को एक उपवास के रूप में बनाऊंगा, मैं अपना उपवास रखूंगा और निश्चित ही जनता और मेरे बीच में जो कनेक्शन रहा है पिछले 10 वर्षों से किशनगढ़ की जनता का छात्र राजनीति के बाद, वो बड़ी आत्मीयतापूर्ण संबंध है। उस संबंध के एवज में जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ तो जब उनकी तकलीफ और पीड़ा मुझे सुनने को मिलती है तो मुझे बड़ा दर्द होता है। और राजनीति में हम एक बदलाव करने के लिए आए हैं तो निश्चित तौर पर कल राजस्थान विधानसभा का सदन चलेगा और इस गूंगी बेरी और संवेदनहीन सरकार को एक यहाँ से हम सांकेतिक संदेश दे रहे हैं कि जल्दी बुनियादी जरूरतें जो हम आम जनता जिससे त्रस्त है उनको पूरी करें, वरना आगे हम बड़ा आंदोलन का रूप इसको देंगे। दर्शन करके, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए इस किशनगढ़ विधानसभा के क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। तत्पश्चात पिछले जन्मदिन पर हमने एक बड़ा रक्तदान शिविर रखा था जिसने राजस्थान में बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी हमारा रक्तदान शिविर का था लेकिन जनता की इन व्यवस्थाओं को लेकर हम यहाँ आज उपवास में बैठे हैं, तो मैंने स्वैच्छिक रक्तदान किया। हमने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और अस्पताल में जो मरीज हैं उनको फल वितरण किए हैं। तत्पश्चात यहाँ हमने भगवान सुग्रीव जी के दर्शन कर गो सेवा करके अब हम यहाँ उपवास पे बैठे हैं और निश्चित ही ये उपवास इस गूंगबेरी सरकार को जगाने का काम करेगी। यहाँ चुन के भेजा लेकिन जनता की यदि तकलीफ रहेगी तो मेरी तकलीफ रहेगी। मेरा ये पूरा जीवन किशनगढ़ की और आम जनता को समर्पित है, इसलिए समर्पण भाव यहाँ हम सब लोग कांग्रेस परिवार के रखते हैं। देश में पिछले 10 साल में जो वातावरण केंद्र की सरकार ने बनाया, इस बार जनता ने उनको जवाब दिया और शानदार मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है। और वो इसलिए दिया कि देश में जो ताकतें बैठी है वो ताकतें संविधान को खत्म करना चाहती थी और बाबा साहेब द्वारा जो संविधान की रचना की गई थी वो संविधान सबको साथ लेके सबके साथ समानता का व्यवहार करने के लिए बनाया गया था। और निश्चित ही आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान की वो ताकत है कि इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें काम कर रही थी उनको करारा जवाब इस देश की जनता ने दिया। तो निश्चित ही हमने जय जवान जय किसान का नारा तो हमारे पूर्व नेताओं ने दिया लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी जो अभी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी है उन्होंने जय संविधान का नारा भी दिया। आज हम जय जवान जय किसान जय संविधान जय हिंद को लेकर यहाँ